अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जनाब, आपको पता है कि जैसे हम लोग शादी पर जा रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि रात को ना जल्दी से बैठ के अच्छी सी मेहंदी लगवा ली जाए। तो जनाब मेहंदी मैंने लगवा ली थी, अब आ गई बारी कपड़े प्रेस करने की। जो जोड़ा जो मैं पहन के जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी इतनी प्यारी हुई हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत डिजिटल प्रिंट में है, और साथ में इस पर एम्ब्रॉयडरी है, तिल्ले का काम है, बहुत ही कोई नफीस जोड़ा है। अच्छा, ये देखें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको इसके स्लीव्स भी चेक करवाती हूँ। बहुत ही कोई खूबसूरत जोड़ा है, ये देखें। ये आपको मैं अभी इसके स्लीव्स दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही कोई खूबसूरत है, बहुत अच्छा और इतना ज़बरदस्त है ना पहना हुआ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब मैं आपको दुपट्टा भी दिखा दूँ, ये देखें। साथ साथ मैं प्रेस कर रही थी, मैंने कहा चलें प्रेस करते हुए आप लोगों को ना पूरा जोड़ा दिखा दूंगी। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत शिफॉन में जो है ना इसका दुपट्टा है, दुपट्टा प्रिंटेड है। इसके बाद मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ, इसकी ना एजिंग की हुई है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी चौड़ी वाली एजिंग करवाई हुई है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, इस शादी पर जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी ना, बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ था, अच्छा ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हुआ क्या ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि बस क्या इंसान सोचता है, होता क्या है। चलें जी, खैर यहाँ पर कपड़े प्रेस हो चुके हैं। चलें जी, अब हम होते हैं तैयार। जी, अब हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, मौसम आज इतना कोई खूबसूरत था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि वो देखें दूर दूर ना बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह थी, लेकिन फिर भी बहुत प्लेजेंट मौसम था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। Hours later. यार हम लोग क्रॉस करने लगे हैं। 1, 2, 3 जी, हम लोग ज़रा काम से गए हुए थे, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं, और चलें जी अब आपको आगे दिखाती हूँ। जी, यहाँ पे रात के फंक्शन की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सामान आ चुका है और ये देख बनने की तैयारी हो रही है, तो चलें जी हम भी जाके तैयार होते हैं। अच्छा जी, गांव की शादी में आए और हम लोग खेतों में ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस मैंने सोचा कि चलें तैयार होने से पहले जो है ना वो एक दफ़ा यहाँ का चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि आजकल जो सीज़न है ना वो सरसों के साग का आया हुआ है। तो मैंने सोचा चलें चलते हैं और देखते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखें, ये है सरसों का साग। अच्छा, जो मकई है ना जिसकी रोटी बनाई जाती है, सरसों का साग और मकई की रोटी, वो जो मकई है वो इन लोगों ने बना ली हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये सारा सरसों का साग है। इसके अलावा हम लोग एक दो जगह पर और आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, शलजम लगे हुए थे, मूलियाँ थीं, और यहाँ पर सारा धनिया लगा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर रात के खाने की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों से। अच्छा जी, इनके पास ना काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिल गई थी, जैसे कोरमा बनाने की और भी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं लोग। अच्छा जी, घर में जनाब रोटियां बनाई जा रही हैं, ये देखें, क्योंकि दोपहर में जो है मेहमान आ गए थे, तो उनके खाने की भी तैयारी चल रही थी साथ साथ, क्योंकि रात का जो खाना है वो तो देर में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मेहंदी का खाना जो है मेहंदी के फंक्शन के साथ ही मिलता होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोटियाँ बन रही हैं तवी पर। ये देखें, पहले सालन देख लें आप लोग, सालन भी बन रहा है, ये देखें, बल्कि बन चुका है, तकरीबन रेडी है। और जो है आज बन रहा है यहाँ पर आलू गोश्त, ये देखें, ये बना रही हैं आंटी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो चलें जी, अब आप लोगों को मैं रोटी दिखाती हूँ, ये हाथ से बना रही हैं, और ये देखें ज़रा कितनी प्रैक्टिस है इन लोगों की, कि मतलब इकट्ठी दो दो रोटियां जो है ना वो बना लेती हैं। खैर, वो मुझे तो बता रही थी कि मैं एक टाइम में जो है 3 से 4 रोटियां बना सकती हूँ। ये देखें जी, इनकी कितनी परफेक्ट रोटी बनी है, मतलब मैं इतनी परफेक्ट रोटी कभी भी हाथ से नहीं बना सकती। वाह जी वाह, दो दो रोटियां इकट्ठी, माशाल्लाह। ये देखें जी, तवी छोटी है, इसको 4-5 मिनट का ली।
ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? चलें जी, खाना रेडी था। खाना खाने के बाद अब हम निकले हैं बाड़ा देखने के लिए। यहाँ पर बड़ा फ्रेश जो है ना वो दूध मिलेगा और उसको हम बनाएंगे चाय। तो चलें जी, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इसके बाद जना मैं आपको मिलवाती हूँ। ये देखें, ये टॉमी जो है ना आजकल बड़ा गुस्से में बैठा हुआ है। चलें जी, दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, चाय बन रही है, बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की चाय है, फ्रेश दूध की। आप लोगों को भी मैंने चेक करवाया था ना, बहुत ही फ्रेश जो है वो दूध है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें जी कितना मज़ा आ रहा है ना इस तरह की चाय पीने में। फेंटी लगाएं, अच्छे से बनेगी। ये देखें जी, चाय बन रही है। मैं फेंटी लगाती हूँ, ये देखें जी, चाय ऐसे नहीं बनती, चाय बनेगी ऐसे है। ये देखें जी, सही बाजी थी, ऐसे बनेगी चाय। इसको ऐसे ऐसे करें ना, ये देखें, चलें अब करें इसको जबरदस्त। फिर मुझे चेक करवाना, मैं डन करूंगी ना। चलें जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ कैसी बनी है। देखें, इसको पहले ठंडी कर लें थोड़ी सी, फिर मैं इनको बताती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन चीनी कम है, चीनी थोड़ी सी और डाल दें। नहीं, चीनी कम है, बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ लें। हाँ ठीक है, आप पकाएं इसको, चाय को अब इसको पकाना है, पकने वाली ही रहती है अभी। ये देखें जी, पास खड़े होके मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनवा ली है और अब हम चाय पियेंगे मज़े से। अच्छा, चाय पीते हुए ना सब मुझे कह रहे थे ज़रा ढोलक तो बजा के दिखा दो। मैंने इनसे कहा यार मुझे ढोलक तो इतनी ख़ास बजानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं अपना हिस्सा डाल दूंगी ताकि लगे कि मैं शादी में आई हूँ। तो जनाब यहाँ पर हम ढोलक बजा रहे हैं, साथ में सब गाने गा रहे थे, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। अच्छा जी, अब टाइम होता जा रहा है मेहंदी के फंक्शन का, बहुत करीब टाइम आ चुका है, तो मैंने भी सोचा कि बस जल्दी जल्दी जाते हैं, आप लोगों को दिखाती जाऊँ। यहाँ पर जनाब मेहंदी के कपड़े जो है ना वो रेडी किए जा रहे हैं, इस्त्री हो रहे हैं। चलें जी, अब मैं भी जाके तैयार होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मेहंदी के व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।